नमस्कार। कहते हैं पुस्तक से अच्छा कोई अपना मित्र नहीं हो सकता। विश्व भर में लाखों करोड़ों लेखक, कहानीकार और कवि हुए हैं और हैं। लाखों करोड़ों सबकी लिखी हुई पुस्तकें हैं। हम किसकी पुस्तक पढ़ें और कौन सी पढ़ें जो हमारा जीवन बदल दे, देखिए हमारी इस पूरी वीडियो। विश्व में बहुत सी पुस्तकें हैं जिसमें हास्य रस, कहानियाँ, इतिहास से जुड़ी घटनाएं और भी न जाने क्या क्या होता है। सभी लेखक अपने हिसाब से पुस्तकें लिखते हैं, लेकिन संत रामपाल जी एक ऐसे अनोखे संत हैं जो कीमत से भी कम मूल्य पर जन कल्याण के लिए लिखी गई उनकी पुस्तकें देते हैं। विशेष अवसरों पर मुफ्त पुस्तक वितरण भी करते हैं। आज पाठक हर विषय पर पुस्तक पढ़कर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिकता में मनमुखी ज्ञान होने के कारण और सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाने के कारण पाठकों की उदासीनता बढ़ती जा रही है। संत रामपाल जी महाराज ने आध्यात्मिक ज्ञान के रहस्यों पर से पर्दा उठाकर उसे सरलता से समझाकर कलमबद्ध किया है। इसी कारण उनके भक्त पूरे विश्वास से ओतप्रोत होते हैं और सामान्य जनों के बीच जाकर उन्हें संत रामपाल जी की पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित कर पाते हैं। अतः आप सभी से भी हमारा अनुरोध है कि आप सब भी एक बार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह अवश्य पढ़ें। सोजत के उप कारागृह जेल में बंदियों को संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह दी गई। बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए तथा अपने जीवन के मूल उद्देश्य को समझकर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से सत भक्ति ग्रहण करनी चाहिए। धन्यवाद।